हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है ब्रेड मालपुआ। जी हाँ, ये मालपुआ मैंने ब्रेड से बनाया हुआ है। ये देखिए, बहुत ही जल्दी बन जाता है और ज़्यादा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं होते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं रेसिपी कैसे बनती है। तो ब्रेड मालपुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट लिए हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड ली है 6 से 7, एक ग्लास पानी लिया है जो हम चाशनी में यूज़ करेंगे, ये फूड कलर है, ऑरेंज फूड कलर। यहाँ पे मैंने 6 से 7 बादाम लिए हैं, 6 से 7 पिस्ता लिया है जिनको मैंने काट लिया है। ये केसर है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे 1 कटोरी शुगर ली है मैंने चाशनी के लिए, और यहाँ पे घी लिया है ब्रेड को तलने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्रेड लेना है। ये देखिए, मैंने कुछ ब्रेड ली हुई है। अब हम इनको कटोरी की मदद से इसको कुछ हमें इस तरह से गोल शेप में कट कर लेना है। ये देखिए, ऐसा कुछ गोल शेप में आपको कट कर लेना है। तो चलिए मैं बाकी कट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ब्रेड को कट कर लिया है ऐसे गोल शेप में। आपको जितनी भी ब्रेड यूज़ करनी है, जितनी भी ब्रेड का मालपुआ बनाना है, आप उतनी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 6 से 7 ब्रेड का मालपुआ बनाने वाली हूँ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। चाशनी तैयार करना है तो मैंने यहाँ पे गैस पे एक पैन चढ़ाया हुआ है, और इसमें मैं डालूंगी 1 कटोरी शुगर और उसमें पानी डालूंगी। ये 1 गिलास मैंने पानी डाला है। अब इसको हमें मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक इसको अच्छे से पकाना है। तो जब तक हमारी चाशनी बनती है तो हम ब्रेड को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन में घी गरम करने के लिए रख दिया है। जैसे ही घी गरम हो जाता है तब हम इसमें ब्रेड को फ्राई करेंगे। ये देखिए, घी गरम हो चुका है। गैस की फ्लेम को आपको हाई रखना है, हाई फ्लेम में आपको ब्रेड को तलना है, वरना आप स्लो फ्लेम में करेंगे तो ये ब्रेड घी ज़्यादा सोखेगी। अब हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने सारी ब्रेड को तल लिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि चाशनी हमारी बनी है कि नहीं। ये देखिए, चाशनी हमारी हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो चाशनी हमारी तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे बादाम पिस्ता जो हमने काट के लिए थे, और इसमें केसर भी ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा हम फूड कलर डालेंगे चुटकी भर। अगर आपके पास पाउडर फूड कलर है तो वो डालिए, मेरे पास ये लिक्विड वाला है तो मैं इतना सा डालूंगी और अच्छे से मिला दूंगी। ये देखिए, चाशनी रेडी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड के स्लाइस, इसमें डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक इनको डले रहने देंगे, फिर हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, सारे ब्रेड के स्लाइसेस मैंने डाल दिए हैं। अब इनको हम 2 से 3 मिनट तक चाशनी में डले रहने देंगे। ये देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ब्रेड मालपुआ में अच्छे से चाशनी भर चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है, और गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता से गार्निशिंग किया है। तो आप भी ज़रूर घर पे ट्राई करना ये ब्रेड मालपुआ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, या एक आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ, या कोई अदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।